रायपुर से आपको एक और बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखा है। छत्तीसगढ़ के में देरी से चल रही पैसेंजर ट्रेन से हो रही असुविधा पर चिंता व्यक्त की है। आपको बता दें कि समाधान पर जोर देने का आग्रह किया। मालगाड़ी को प्राथमिकता देने की वजह से पैसेंजर ट्रेनों में विलंबता हो रही है, लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है। वहीं मालगाड़ियों को रोककर पैसेंजर ट्रेनों को समय पर चलाने की मांग भी की जा रही है। तो बड़ी खबर आपको राजधानी रायपुर से बता रहे हैं, जहां पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखा है। छत्तीसगढ़ में देरी से चल रही पैसेंजर ट्रेन से असुविधा हो रही है और इसी असुविधा पर उन्होंने चिंता व्यक्त की है और साथ ही समाधान पर भी जोर देने की अपील यहां पर की गई है। अगर जानकारी के लिए आपको बता दें कि लगातार केंद्र सरकार की ओर से कई सारी ऐसी ट्रेनें हैं जो कि रद्द भी कर दी गई थी छत्तीसगढ़ में, और ऐसे में जो यात्री हैं उन्हें काफी परेशानी हो रही थी। इसी खबर पर और भी जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं, हमारे साथ में सीनियर रिपोर्टर आकांक्षा तिवारी जुड़ी हुई हैं। आकांक्षा, अगर देखा जाए तो लगातार केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ में कई सारी ट्रेनें रद्द कर दी गई है और इसी के चलते अब स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने भी केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखा है, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए लगातार ट्रेनें रद्द होने और यात्रियों को जिस प्रकार से समस्या का सामना करना पड़ रहा है, इसे देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को पत्र लिखा है। पत्र में सीधे तौर पर उन्होंने जिक्र भी किया कि जिस प्रकार से कई ऐसे ट्रेनें हैं, पैसेंजर ट्रेनें जो विलंब से चल रही है, जिसके चलते जो यात्रीगण है उन्हें असुविधा का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे में समाधान की ओर जोर देने का आग्रह उन्होंने अपने पत्र के माध्यम से किया है। और इसके अलावा उन्होंने पत्र में यह भी जिक्र किया है कि कोयला परिवहन यानी कि मालगाड़ी को प्राथमिकता देने के चलते ही पैसेंजर ट्रेनें जो है अधिकतर विलंब हो रही है, ऐसे में इन पैसेंजर ट्रेनों को समय पर चलाया जाए मालगाड़ियों को रोकते हुए, तो ये एक आग्रह उन्होंने अपने पत्र के माध्यम से किया है। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि इस पत्र का कितना असर आगामी समय में हमें देखने को मिलता है। जी बिल्कुल आकांक्षा, देखने वाली बात होगी कि रेल मंत्री इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आकांक्षा, तमाम जानकारी हमें देने के लिए आप हमारे साथ में बने रहिए।